हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं कन्या पूजन। जैसे कि 10 तारीख को लगा रखा है अष्टमी 12 बजे से, और अष्टमी नवमी लगा रखा है 11 तारीख को भी, तो हम अष्टमी करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम कन्या पूजन के लिए बनाते हैं भोजन। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है सूजी, तो सूजी को हम कटोरी में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने रिफाइंड डाल दिया है, आप घी भी ले सकते हैं। तो देखिए हम इसको इसी में अच्छे से डालकर पहले भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको धीमी आंच में भूनना है, गैस को तेज ना करिएगा। तो देखिए इसी तरीके से इसको मिलाते हुए भून लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देखिए। तो इसको अब हम एक थाली में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ऐसे में हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, वैसे तो हलवा मीठा ही अच्छा लगता है, फीका नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी चीनी डाल दी है, और इसको अच्छे से चीनी को गलने देंगे। तो देखिए हमारा ये पानी जो है अच्छे से उबल रहा है, तो इसको थोड़ा पकने देंगे। और पकने के बाद में इसमें जो हमने सूजी भुनी थी उसको हम डाल देंगे। तो ये सूजी डालने से पहले गैस को स्लो कर दीजिएगा, नहीं तो ये ऊपर आने लग जाएगा। तो इसमें ड्राई फ्रूट जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम नारियल ग्रेट करके डाल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है नारियल के। अब इसको अब हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमने इसको प्लेट में रख लिया है, देखिए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अब हमने कुकर में मिर्ची और जीरा डाल दिया है। अब इसमें हमने जो चना है इसको रात को ही भिगा दिया था, तो इसको हम अच्छे से धो लिए हैं। तो इसको हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, हम उबालते नहीं हैं फ्रेंड्स, इसको डायरेक्टली हम कुकर में तड़का लगा देते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे नमक, और तड़का लगाने के बाद में इसमें डाल दें पानी। जैसे आप उबालते हैं तो उबालने की जगह पे तड़का लगाने के बाद में इसमें पानी डाल दें, तो पानी उतना ही डालें जितना इसमें जितना ये चना पक सके। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक मग से आधा मग पानी डाल रही हूँ, एक मग मैंने पानी लिया था तो उसमें से हम आधा ही डाल रहे हैं। तो देखिए इसको हम अच्छे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद में इसमें हम लगा देंगे ढक्कन। तो इस तरह से क्या है कि एक ही बारी में छोले बन जाते हैं, उबालने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इस तरह क्या है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उबालो फिर इसमें तड़का लगाओ। तो देखिए फ्रेंड्स बन गया ना बहुत जल्दी। तो इसको अब हम दिखाते हैं, देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से, ना तो इसमें पानी है ना कुछ है, बहुत अच्छे से हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं, देखिए। तो हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है, और बहुत ही स्वादिष्ट छोले बने हुए हैं फ्रेंड्स। क्योंकि कन्या पूजन के लिए टाइम बहुत लगता है खाना बनाने के लिए, तो इसमें हम बहुत ही जल्दी इस तरीके से बना पाते हैं। अब इस तरह एक बार उबालो फिर उसको तड़का लगाओ तो टाइम लगता है, तो इसलिए हम कुकर में ही तड़का लगा देते हैं, और उसी टाइम पे हम इसको उबाल भी लेते हैं, तो ये अच्छा बन जाता है, टेस्टी बन जाता है। तो देखिए हमने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे छोले बने हुए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। तो चलिए अब हम करते हैं पूड़ी की तैयारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आटा गूंथ कर पहले ही रख लिया था, और हमने कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब पूड़ियों को करीब 8 से 10 पूड़ियाँ बेल कर रख ली है। अब इसमें हम इसको तल लेंगे पूड़ी को। तो देखिए फ्रेंड्स पूड़ी को इसी तरीके से अच्छे से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, और मेरे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। तो देखिए इसी तरह से मैं सारी पूड़ी को बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि कन्या पूजन के लिए पूड़ी थोड़ी ज़्यादा लगती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम सारी पूड़ी को बनाकर पहले रख लेंगे, फिर कन्या जमाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स
क्या आप भी इस तरीके से करते हैं? अगर इस तरीके से करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह से आप शॉर्टकट में काम ज़रूर करें, खाना इस तरीके से बनाएं, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए इसी तरह से सारी पूड़ी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मेरी बेटी गई है बच्चों को बुलाने के लिए, क्योंकि स्कूल भी चालू है तो बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, तो इसलिए थोड़ा हमें जल्दी करना है फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल का भी नुकसान ना हो बच्चों का। तो देखिए इसी तरह से सारी पूड़ी को बनाएंगे, क्योंकि पूड़ी थोड़ी ज़्यादा बनानी है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कन्याओं को बैठा दिया है और हमने प्लेट में सारा देखिए भोजन हमने लगा दिया है सारे बच्चों को। तो ये हमारी जो कन्याएं हैं सब भोजन कर रही हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत सारी कन्याएं आई हुई हैं हमारे घर में। तो देखिए तो आप भी इस तरीके से कन्या पूजन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कन्याएं सब खाना खा रही हैं। आप देख सकते हैं कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, करीब 10 से 11 साल के बीच में ही हमारी कन्या है। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से हमारी जो कन्याएं हैं भोजन कर रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कन्याएं भोजन कर चुकी हैं, अब इनकी विदाई करनी है। तो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनकी मम्मी लेकर आई हुई हैं। तो देखिए किसी के हाथ में प्लेट है, किसी के हाथ में टिफ़न है, हमने सारी तरह की प्लेटें और टिफ़न लेकर आई थी तो सारे बच्चों को हमने दी है और हर साल देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसी तरह से कृपा बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कन्याएं सब विदा हो रही हैं, जा रही हैं घर अपने। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फ्रेंड्स आपसे बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती है। तो देखिए सबसे छोटी कन्या हमारी ये देखिए हमारे बगल में है, सबसे छोटी कन्या हमारी यही है, बहुत क्यूट सी है। तो देखिए विदा होते समय कन्याओं का पैर ज़रूर छूना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपसे बहुत हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारी सारी कन्या जा रही हैं, अब अगले साल फिर आएंगी।